गाइडलाइन जारी करता है। कल शाम शांति समिति की बैठक हुई जिसमें नेता तमाम जो मंत्री बैठे हुए मौजूद थे, उसमें निर्णय लिया गया गणेशोत्सव से लेकर सारे त्यौहार जनता घरों में मनाएं। और जनता का सवाल ये है कि जनता तो त्यौहार घरों में मनाए, लेकिन नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा के कारण जो भीड़ सड़कों पर उमड़ती है, इससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? क्या सारे नियम कायदे जनता के लिए ही हैं? और दूसरा सवाल ये है कि इंदौर से दुबई की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बंद पड़ी हुई है, उसको कब तक आप शुरू करवा रहे हैं? दोनों प्रश्न आपके वाजिद हैं, दोनों प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूं। जहां तक कोरोना का वातावरण है, मैं सदैव अपने आप केवल नहीं लेकिन सभी को सतर्क रहता हूं, और उसका उदाहरण आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लिया। हम लोग भूल जाते हैं कि कोरोना का सामना करने के लिए हमारे पास दो चीज है। जैसे पुराने जमाने में जो मैं इनको कह रहा था, पुराने इतिहास का प्रश्न इन्होंने उठाया तलवार के साथ और ढाल के साथ। उमेश जी, तलवार और ढाल के साथ युद्ध में जाते थे, और अगर केवल तलवार हाथ में हो और हाथ में ढाल ना हो तो आप गए काम से, और केवल अगर हाथ में ढाल हो और तलवार हाथ में ना हो तो भी आप गए काम से। और इस कोरोना के युद्ध में आपका ढाल आपका मास्क है और आपका तलवार आपका टीका है। दोनों को हमें अपने हाथ में रखना होगा। और जहां तक जन आशीर्वाद यात्रा की बात की, हमने सख्त नियम जारी किए पार्टी के स्तर पे, 100-150 लोगों से ज्यादा कहीं भी ना हो। और मैं स्वयं जहां भी मंच पे उतरता हूं वहां सभी को निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि कृपा करके माला लगाने के पहले आप अपने आप के लिए भी मास्क पहनिए, केवल मास्क पहनने के बाद ही मालाओं को ग्रहण किया जाता है। और मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड बनाया है टीकाकरण के मामले में, हमारे 70-80% जनता ने पहला टीका ले लिया, और इंदौर में तो 18 साल के ऊपर के उम्र के लोगों में पहला टीका 70% लोगों को दिया गया है। मैं आप सब लोगों को भी नमन करना चाहता हूं, और इंदौर की जनता को भी नमन करना चाहता हूं, प्रशासन को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। और हम लोगों का मत है और हम लोगों का संकल्प है कि आज देश में 56 करोड़ टीके लगे जो किसी देश में विश्व में नहीं लगे, और हमारा संकल्प